तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑफर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स जियो का जो ऑफर चल रहा है 399 रुपीज़ का, वो यहाँ पे आप 200 या उससे भी कम में यहाँ पे फ्रेंड्स आप रिचार्ज करवाने वाले। और फ्रेंड्स ये ऑफर सारे यूजर के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स ये कोई जियो की ऑफिशियल ऑफर नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप यहाँ पे जियो का 399 वाला जो रिचार्ज है वो 200 में करवा सकते हैं। फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई रहा है कवर करके एप्लीकेशन, आप यहाँ पे लोगो भी देख सकते हो। फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन की आपको यहाँ पे खास ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन के जरिए ही आप यहाँ पे 399 वाला जो जियो का रिचार्ज प्लान है वो यहाँ पे आप 200 या उससे भी कम में करने वाले हो। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हर रोज अर्निंग एप्स और फ्री शॉपिंग ट्रिक्स लाता रहता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये एप्लीकेशन ओपन कर देना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन करोगे, अगर आप यहाँ पे एक न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक जीमेल आईडी डालना होगा और यहाँ पे रेफरल कोड डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स रेफरल कोड डायरेक्टली डिटेक्ट ना हो आप यहाँ पे रेफरल कोड डाल सकते हो, ठीक है ना। फ्रेंड्स आपको रेफरल कोड डालने का बेनिफिट ये मिलेगा कि इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे एक फ्री स्पिन मिलने वाला है। फ्रेंड्स पिन के जरिए आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे 5 रुपीज़ से लेकर 25 रुपीज़ तक। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले ही लॉगिन कर दिया था, इसके जरिए मुझे यहाँ पे स्पिन में 3 रुपीज़ मिले। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफर चल रही है कि 5 रुपीज़ पे 25 रुपीज़ तक यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। फ्रेंड्स आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि पे विथ पेपल सेफ है और गेट 50% इंस्टेंट कैश बैक ऑन योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम जैसे ही यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ओपन करते हैं यहाँ पे लिखा है कि 50% कैश बैक। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक मिल सकते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ मिलने वाले और यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन है 50 रुपीज़, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये ऑफर चलने वाली है 31 अक्टूबर तक, तो फ्रेंड्स आप जल्दी से जाकर ये ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ लेने के लिए यहाँ पे आपके पास एक पेपल अकाउंट होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे किस तरह पेपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स पेपल अकाउंट करना एकदम इजी मेथड है, पर आप यहाँ से इजीली पेपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के आपको बाहर आ जाना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही बाहर आ जाओगे यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना होगा paypal.in, ठीक है ना। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे paypal.in पे टिक करोगे आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे न्यू यूज़र हो, अगर आपने पेपल पे कभी भी अकाउंट नहीं बनाया तो फ्रेंड्स आप नीचे साइन अप फॉर प्रीपेड टिक कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपका पहले यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो आप लॉगिन पे जाकर यहाँ पे पेपल अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये ऑफर तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने पहले कभी भी मर्चेंट अकाउंट में कभी भी आपने पैसे नहीं डाले होंगे, तभी आपको पेपल अकाउंट से 200 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक पहले कभी पेपल अकाउंट नहीं बनाया तो मैं फ्रेंड्स सिंपली साइन अप पे टिक करता हूँ। फ्रेंड्स आप जैसे ही साइन अप पे टिक करोगे आपको यहाँ पे फॉर शॉपर्स पे जाना है। फ्रेंड्स फॉर शॉपर्स पे जाने के बाद ही आपको यहाँ पे 50% इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही नेक्स्ट पे टिक करोगे यहाँ पे आपको अपना सरनेम डाल देना है, मिडल नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम और यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड डालना होगा। फ्रेंड्स आप जैसे ही अपना पासवर्ड डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डालना जिससे पहले आपने पेपल पे अकाउंट नहीं बनवाया, वो ही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपनी सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर दी है, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पे टिक करना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे एग्री पे टिक करते हो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे टिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डालना होगा, और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड भी डाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो डेबिट कार्ड डालने वाले हो वो एक मास्टर कार्ड होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास मास्टर कार्ड नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मास्टर कार्ड कहाँ से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो माई एयरटेल पेमेंट बैंक आप देख रहे हैं उसके जरिए आप यहाँ पे मास्टर कार्ड ले सकते हैं। फ्रेंड्स माई एयरटेल ऐप में अकाउंट बनाना बिल्कुल भी आसान है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना मोबाइल डालना है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी पान कार्ड डाल सकते हो। फ्रेंड्स फेक पान कार्ड होगा तो भी यहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने करीब करीब 200 रुपीज़ फ्रेंड्स फ्री में कमाए।
तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और आप भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे आके इसको लूट सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने फ्रेंड्स दो ऑफर बताई थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप यहाँ पे 200 या उससे भी ज्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे माई टेल पेमेंट बैंक पे टच करना है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑनलाइन कार्ड जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे पिन डालोगे आपका ऑनलाइन कार्ड आपके उस तरफ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना ऑनलाइन कार्ड डाल देता हूँ, ये कार्ड होगा वो मास्टर कार्ड होगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 400 रुपीज अपने डेबिट कार्ड में चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे कबर पे यो कार्ड 399 वाला रिचार्ज 200 में करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑनलाइन कार्ड अपना देख लेता हूँ और उसके बाद पेपल अकाउंट में डाल देता हूँ। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे अपना कार्ड डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पे IMO नॉट रोबोट पे टिक करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे 2 रुपीज पे करने होंगे यहाँ पे पेपल अकाउंट क्रिएट करने में। फ्रेंड्स उसके बाद आपको 2 रुपीज पेपल वापस दे देगा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको यहाँ पे 2 रुपीज देने होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 रुपीज दे दिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐसे ही टिक करना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही 3 डॉट पे टिक कर देते उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू अकाउंट पे टिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मास्टर कार्ड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे मेरे डिटेल भी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने पेपल पे एक अकाउंट भी क्रिएट कर दिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको फिर से कबर ऐप में आ जाना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे कबर ऐप में आते यहाँ पे आपको 400 रुपीज ऐड करने होंगे। फ्रेंड्स आपने माय एयरटेल में जो 400 रुपीज ऐड किए वो यहाँ पे आपको कबर ऐप में ऐड कर देने, उसके बाद आप यहाँ पे 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आपके पास हो जाएगा 600। फ्रेंड्स आप वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एड मनी में जाना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप एड मनी में जाओगे यहाँ पे आपको 400 रुपीज लिख देना है। फ्रेंड्स 400 रुपीज लिखने के बाद आपको यहाँ पे एड मनी पे टिक करना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही एड मनी पे टिक करोगे आपको यहाँ पे कोई भी प्रोमो कोड नहीं डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे टिक करना है। फ्रेंड्स मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस वीडियो में, आप फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में, ठीक है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे पेपल चुनना है। फ्रेंड्स पेपल आप जैसे ही चुनोगे यहाँ पे आपका ऑलरेडी जीमेल आईडी आ गया होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली पासवर्ड डाल देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली पेपल अकाउंट में आ गया था। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे मुझे CVV कोड डाल देना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे CVV कोड डालोगे आपके मास्टर कार्ड में से 400 रुपीज है वो फ्रेंड्स कट हो जाएंगे और उसके बाद वो पैसे वो कबर ऐप में ऐड हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज कैसे मिलने वाला है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे MPIN चूज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट पे कर देना है। फ्रेंड्स मैंने सबमिट पे टिक कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेसिंग पे। फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मिनट लगती है प्रोसेसिंग में और फ्रेंड्स उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपके कबर ऐप में यहाँ पे 400 रुपीज ऐड हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली ऐड हो गया है और यहाँ पे कबर ऐप में फ्रेंड्स मुझे 400 रुपीज मिल चुके। तो फ्रेंड्स मैं सिंपली यहाँ पे बाहर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे कबर ऐप में फ्रेंड्स मेरे 400 रुपीज ऐड हो चुके। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मेरा कबर ऐप में बैलेंस है 403 रुपीज। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज कैसे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उसी तरह फिर से पेपल अकाउंट में जाना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही पेपल अकाउंट में जाएंगे आपको यहाँ पे गेट पे टिक करना होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना है 200 रुपीज, ठीक है ना। फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे एड मनी पे टिक करना है। फ्रेंड्स आपको दोबारा एड मनी पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी प्रोमो कोड नहीं डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा पेपल में। फ्रेंड्स आप वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको पता चल जाएगी आपको यहाँ पे किस तरह पेमेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेपल पे टिक करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 200 रुपीज पेपल की तरफ से मिल गए। यहाँ पे मेरे डेबिट कार्ड से भी यहाँ पे 200 रुपीज नहीं कट होने वाले। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे पेपल ही 200 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है क्योंकि मैंने 400 रुपीज कबर ऐप में ऐड किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पे नाउ पे टिक करता हूँ। फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे नाउ पे टिक करोगे आपके कबर ऐप में 200 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे आपने पे किए ओनली 400 रुपीज और आपके कबर ऐप में आ गए 600 रुपीज। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पेमेंट अभी अवेटिंग पे और यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेरा कबर ऐप में देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे टोटली 600 रुपीज मिल चुके। मीन्स यहाँ पे मुझे 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिल चुके। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी ऑफर है। फ्रेंड्स इसी तरह आप यहाँ पे अपना जियो का रिचार्ज भी करवा सकते हो और यहाँ पे लाइट बिल भी पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 200 रुपीज बिल्कुल ही फ्री मिल गए।
और फ्रेंड्स जैसे ही मैंने बताया कि आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड डालना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का मास्टर कार्ड डालना होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आपके पास अगर मास्टर कार्ड हो तो आप मास्टर कार्ड डाल सकते हो। उसके बाद आपको पेमेंट करना है पेपल से। पेपल से करने के बाद यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ फिर से डालने होंगे और एक्स्ट्रा पेमेंट जो होगा वो 200 रुपीज़ वो पेपल आपको एक्स्ट्रा दे देगा। इसी तरह फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे 600 रुपीज़ आ जाएंगे और फ्रेंड्स आप यहाँ पे 600 रुपीज़ का रिचार्ज भी करवा सकते हो और फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफकोर्स एक लाइक कर देना और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही अर्निंग एप्स और फ्री शॉपिंग ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।